बिलासपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामलाल ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी से संबंध रखने वाले लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चोर दरवाजे से आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्तियां करने का निर्णय लिया गया है। ये फैसला बकायदा कैबिनेट की मीटिंग में हुआ है। क्या कोई मेरिट बेस पर नियुक्तियां होगी या फिर कोई तरीका और अपनाया गया है, इस पर स्थिति स्पष्ट की जाए, क्योंकि प्रदेश में बेरोजगारों की एक लंबी फौज है और डिग्री डिप्लोमा धारक युवा सालों से नियुक्तियों की राह ताक रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने आउटसोर्सिंग के तहत सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य कई विभागों में आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्तियां करने को लेकर मुख्यमंत्री और आईपीएच मंत्री को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का राग अलपाने वाली सरकार की आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया क्या होगी। कहीं चोर दरवाजे से अपनों को एडजस्ट करने के लिए सारा प्रपंच रचा गया है। यदि ऐसा है तो फिर कहां गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ईमानदारी। इस मसले को अब वह 19 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा के सत्र में जोरों शोरों से उठाएंगे। बिलासपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामलाल ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी से संबंध रखने वाले लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चोर दरवाजे से आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्तियां करने का निर्णय लिया गया है। ये फैसला बकायदा कैबिनेट की मीटिंग में हुआ है। क्या कोई मेरिट बेस पर नियुक्तियां होंगी या फिर कोई और तरीका अपनाया गया है, इस बात को स्पष्ट किया जाए, क्योंकि प्रदेश में बेरोजगार की एक लंबी फौज है और डिग्री डिप्लोमा धारक युवा सालों से नियुक्तियों की राह ताक रहे हैं। यदि सरकार आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्तियों का रास्ता अपनाती है और अपने लोगों को एडजस्ट ही करना है तो फिर उन पढ़े लिखे हजारों नौजवानों बेरोजगारों का क्या होगा। यही नहीं, पिछले 8-8 सालों से आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे लोगों को नियमित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक प्रतिनिधिमंडल का आश्वासन दिया था और कहा भी था कि इसके लिए एक नीति का निर्धारण किया जाएगा, लेकिन आज दिन तक ऐसा नहीं हो सका, जिससे ये लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। रामलाल ठाकुर के अनुसार पता चला है कि पूर्व में आउटसोर्सिंग पर नियुक्त लोगों को बाहर करने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग पर भर्ती के लिए 2 ठेकेदारों को जिम्मा दिया गया था। ये ठेकेदार इन दिनों विधायक और पूर्व विधायकों से भाजपा से नाता रखने वाले लोगों को एडजस्ट करने के लिए लिस्टें मांग रहे थे। बिलासपुर जिला में तो पिछले कल ठेकेदार द्वारा विधायकों से मीटिंग कर ये कार्यवाही पूरी की गई। एक एक विधायक से 12 से 15 लोगों की लिस्ट ली जा रही है। इसके तहत नैना देवी हल्के से 4 लोगों के नाम लिस्ट में डाले जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। ये भी पता चला है कि आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वालों को पहले डेली और फिर उन्हें नियमित करने की योजना है। आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर अपने लोगों को विभिन्न विभागों में एडजस्ट करने के लिए तरीका अपनाया गया है। उन्होंने बताया कि जब आउटसोर्सिंग पर नियुक्त एक कर्मचारी ने बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर इत्यादि जिलों का जिम्मा संभालने वाले ठेकेदार से पूछा कि पहले नियुक्त लोगों का क्या होगा, तो जवाब मिला कि आईपीएच मंत्री की ओर से आदेश जारी हुए हैं और वही इस पर फैसला करेंगे। खास बात यह है कि उस व्यक्ति ने मोबाइल पर ठेकेदार के साथ हुई सारी बात रिकॉर्ड कर ली। ऐसे में आईपीएच मंत्री से सवाल है कि सरकारी नौकरियां देने के लिए प्रशासन में ये कौन सा फॉर्मूला है। वैसे तो आईपीएच मंत्री को किसी संस्था ने बेहतर कार्यों के लिए अव्वल मंत्री का दर्जा देते हुए पुरस्कृत किया है, लेकिन मंत्री बताएं कि चोर दरवाजे से नियुक्तियां करने के लिए यह तरीका क्या सही है। आने वाला सत्र है और मैं कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जो है वो जिम्मेवारी दी गई है कि जो गलत गलत काम होंगे उनका विरोध किया जाए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विधानसभा का सत्र नहीं चलने देंगे अगर इस प्रकार की चोर दराजे से जो ठगने वाली पॉलिसी है हिमाचल प्रदेश सरकार की, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उसको अगर सरकार ने ठीक नहीं किया तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को विधानसभा में जो है पूरी ताकत से घेरे। चोर दरवाजे से 400 लोगों को रखना और वो फिर 3 साल के बाद उनके लिए एक नई पॉलिसी लेके आना, उनको जो है वो सरकार की स्कीम के मुताबिक उनको रेगुलर करना, ये मैं कहूँगा हिमाचल प्रदेश के जो 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 हमारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, जो मेरिट पे आने वाले लोग हैं, उनसे बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि जो पैसा है सरकारी खजाने से जाएगा और ये पैसा जो है सरकारी खजाने से जाएगा ठेकेदार के माध्यम से, तो ये सरकार का पैसा है लेकिन सरकार के पैसे से लूटपाट नहीं होनी चाहिए। मैं तो मंत्री जी से भी कहना चाहूँगा, गुड फ्रेंड ऑफ मी, फिर मैं मंत्री जी से भी कहूँगा कि आपको अभी तो किसी संस्था ने आपको जो है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया मंत्री जो है वो घोषित किया, तो क्या सबसे बढ़िया मंत्री के विभाग में इस प्रकार की लूटपाट होनी चाहिए, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। फिर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स के ऊपर जो है वो लूटपाट हो रही है उसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी विधानसभा का सेशन आ गया, पूरी ताकत से
सारे डिपार्टमेंटों में जो गड़बड़ हो रही है, जो नौजवानों को जो ट्रेंड लोग हैं उनको बाहर किया जा रहा है, और उनकी जगह पे जो है वो ऐसे लोगों को जिनका संबंध जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, उनको रखने का चोर दुराजे से जो तरीका निकाला गया उसका विरोध करें।